ये रहा आपका प्यारा सा गैरसैंण, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भाई। जैसे कि बारह ज्योतिर्लिंग, हम अभी बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, उसके बाद अयोध्या होके उत्तराखंड आ रहे। गाइस ये मेलचोरी का मार्केट, मैं जाना था उस रास्ते, यार जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने, बोल रहे वापस जाओ। पता है कितना किलोमीटर वापस भेज रहे, मतलब कि हम। वेलकम टू कार्तिक स्वामी, अब मिलते हैं आपको ऊपर खाना बनाते हुए। तो भाई अभी का टाइम हो रहा है रात के 1:03, तो भाई अभी जस्ट पहुंचे, अभी तक खाना भी नहीं बनाया। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग, होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त। तो भाई लौंडे एकदम रेडी हो चुके हैं नहा धो के, और आज हम जा रहे हैं कम से कम 250-300 किलोमीटर दूर कैंपिंग के साथ साथ महादेव के दर्शन करने भी। कहाँ जा रहे भाई? हम जा रहे हैं मधमेश्वर। तो हम जा रहे हैं भाई मधमेश्वर। मधमेश्वर है कल्पेश्वर, एक ट्रैक लंबा है, आस पास का है, अलग अलग रूट पे दोनों। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, मतलब से पहले जाते हैं, मतलब कि ब्लॉग में दिख जाएगा आप लोगों को यार। तो आज के पार्टनर है हमारे साथ हेमंत भाई, रोशन भाई और विनोद भाई। चलो गाइस चलते हैं। और हम खुद हैं, बाकी तो हम खुद ही हैं। तो मिले भाई सभी लोगों से, तो आज की जर्नी लंबी होनी चाहिए, लंबी होने वाली है। तो आप लोग ब्लॉग पर बिल्कुल, ब्लॉग को बिल्कुल ही मिस मत करें और ब्लॉग में बने रहे। हम जा रहे हैं पता कौन से रास्ते, हम जा रहे हैं यहाँ से अपने साइड से नाचूला खालो तक कर्णप्रयाग। तो सबसे पहले हम कर्णप्रयाग पहुँचेंगे, उससे पहले आपको गैरसैंण दिखाएंगे जी। गैरसैंण दिखाएंगे, यात्रा मंगल में हो हमारी, क्योंकि हमने गैरसैंण होते हुए जाने। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। देवों की नगरी में आज घूमते रहेंगे। तो इस बार सबसे मेन प्लान है हमारा कि हमने कहीं स्टे नहीं करना, अपना सारा सामान ले जाए, अपना टेंट सब कुछ, खाना पीना खुद बनाएंगे। तो पहुंच चुके हैं हम नागचूला खाल की साइड, और आप जो आप लोगों की मस्त चीज़ दिखाते हैं अंजीरी, जिसको देखो पहाड़ों में कोई नहीं पूछता और प्लेन्स में इसकी कीमत हाई लेवल तक पहुँच रही है। अरे इसका स्टैंड इतना मिला सुबह, तो भाई ये चढ़ चुका है अंजीरी की पेड़ में। और भाई ना नहीं गिरू यार, क्या है निकालियो, लाइयो जरा नीचे, लाइयो नीचे लाना लोग दिखाएंगे। तो भाई इसमें एक भी एक अंजीरी निकाली थी, वो भी निकली खराब। तो गाइस ये कुछ है भाई नागचूला खाल साइड का नजारा, नजारा आप लोग देख सकते हो, काफी प्यारा है। आसमान में हल्के हल्के बादल भी छा रहे हैं, तो मजे काफी है। वैसे जिस साइड हम जा रहे हैं शायद मे भी वहाँ हमें अंजीर की पेड़ बहुत सारे मिलेंगे, तो देखते हैं कहीं पे ट्राई मारते हैं। ये वाले सही नहीं थे, खराब थे, क्योंकि जो दो भाई लोग आए थे उन्होंने बताया कि खराब पेड़ है, इसको सही नहीं होते। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं नागचूला खाल। अब नागचूला खाल का मार्केट दिखाते हैं आप लोगों को। और यार रोड में ना कितने तगड़े तगड़े बम रहे, देखो खतरनाक भाई, गाड़ी ऐसे कछुए की चालों कर देनी पड़ रही सीधे सीधे। और देखो नज़ारे क्या ही खूबसूरत आ रही है नागचूला खाल मार्केट, और मार्केट के नज़ारे देखिए, छोटा सा प्यारा सा मार्केट है। गर्मी से हमारे बहुत ही बुरे हाल हो रहे हैं भाई, पसीना तो इतना ज्यादा छूट रहा है कि क्या ही बताएं, ऐसा गर्मी करना पड़ेगा। तब बोलते हैं पहाड़ों में भले एसी की जरूरत नहीं है, अब एसी चलाएंगे तो भैया नुकसान हो जाएगा हमारा। अब नजारे लो आगे के, ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है गाइस, छोटा ही मार्केट है। वो नहीं ले रहे तुम परफ्यूम, कह रहे थे छोटा सा मार्केट था, ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है भाई, मार्केट ही हो चुका है खत्म। और अब आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, हम अगले मार्केट मेलचरी वगैरह मिलते हैं, क्योंकि इतना लंबा अगर हम कैप्चर करेंगे तो ब्लॉग बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें दिखाएंगे। और भाई साहब काफल इतने भयंकर पक रखे ना, रुकेंगे कहीं पे काफल खा लगा 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 वहां कसम, हमें ना काफल नसीब भी नहीं हो रहे, देखने को नसीब नहीं हो रहे। यहाँ देखो पेड़ कैसा बना, देखो पूरा का पूरा गुज बन रखा भाई। खाने देखो नीचे भी गए, देखें खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर कौन चढ़ रहा है? तो भाई यहाँ पे तार वार भी है, कहीं इसमें ना घुस जाऊँ मैं। आई हाँ यार, अरे वो चिपक जाएंगे रस। हाँ तो भाई पेड़ में तो चढ़ गया मैं, और चढ़ते ही साथ देखो काफल देखो भाई। हाँ यार ये देखो भाई, ऐसे बन रखे ना पेड़ बिल्कुल झुग। हाँ हाँ भाई साहब, काफल में इतनी ज्यादा मिठास है ना, हैं? काफल कुछ ज्यादा ही पक गया, कुछ ज्यादा ही वो बजी खा के दे रही हूं। लूम तो चलता हूं मेरे ऊपर काफल का लॉक तो नहीं था, मूड खराब हो गया। मूड खराब हो सकने वो मूड खराब होने देख। गाइस पहले मैं काफल खाता हूं, उसके बाद मिलता हूं आप लोगों को। यहां पे मैं चढ़ा हूं, यहां पे हेमंत चढ़ गया। हेमंत बोलो मेरे को, हेमंत नेम है। अरे पर ये हमारे गूगल बाबा, आहा गूगल से भी तेज चलता है इनका दिमाग। तो भाई हमारे साथ अमर उजाला वाले भाई साहब भी काफल खाने पहुंच चुके हैं। अच्छा एक थोड़ा चाप दीजिए। हैं छाप दो नीचे, नाम भी लिख देना ब्लॉगर का। तो भाई काफल टिपने के लिए मैं दे रहा हूँ हेमंत भाई के पास फ्रेविन ले रहे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हेलो कर दो जरा, सब कैसा हेलो कर दो। हेलो हेलो भाई, घर में जाके सर्च मारना है। यू कह रहा है मनीष, तो भाई साथ ही साथ हम अपने चैनल का भी प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों को काफल दे दिया हमने, बच्चे काफी खुश हो रखे भाई। नमकीन बिस्कुट भी दे दिए, हमने से नमकीन नहीं मिक्स कर रखी। पूछिए काफल खाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा भाई। राकेश भाई गुरु जी कहाँ जा रहे हो? बाकी छोटे छोटे बच्चों को देखे ना, एकदम सुकून सा मिलता है यार। घूमने जा रहे हैं, निकल गए। इस टाइम मेल चोरी, और मेल चोरी आपको कहीं रुक के दिखाते हैं यार अच्छी सी लोकेशन पे, क्योंकि रुक के दिखाने में बात ही कुछ अलग होती है। आज ही मिलेंगे आपको जहाँ पे मस्त सीन भी आएगी। गाइस ये मेल चोरी का मार्केट, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा मार्केट है। यहाँ से आगे शुरू होता है मार्केट। तो गाइस ये कुछ है मैप, हेमकुंड साहिब 180 कर्ण प्रयाग 60 किलोमीटर अभी हमने और आगे जाना है, और वहाँ से कटेंगे फिर हम। ये दिखाते हुए चलेंगे, अभी गैरसैंण मिलते हैं। ये तो मेल चोरी था। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, अभी कराते हैं टैंक फुल। फुल टैंक। तो गाइस अभी हमने टैंक फुल कर दिया, फुल टैंक दिखाया नहीं है। क्यों हिले की गाड़ी है ना, हिले की अब चले वो जरा को तो लड़ता है नहीं, स्विच पकड़ दी है। अरे नहीं मैंने उतने पे गाड़ी ऑन कर दी थी, गाड़ी नीचे ऑन कर दी। अब वो धीरे दोबारा बंद करो यार, ब्लॉक बनना है भाई। शट कर 1961 मार्केट, मार्केट बाकी दिखाएंगे आपको ऊपर से, टॉप से नीचे से तो कुछ भी नहीं दिखते हैं। मुझे
गैरसैंण का मार्केट इतना खास नहीं लगा यार। गाइस ये ऑल इंडिया राइड साइकिल पे चार धाम की यात्रा कहाँ कहाँ से कर रहे हो? हम जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम। 12 ज्योतिर्लिंग जी। हाँ सर। कहाँ से आ रहे हो? हम उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा जी। साइकिल पे आ रहे हो? चैनल का नाम क्या आपका? कुमार उड़िया बॉय। कुमार उड़िया बॉय हमारे लोकल लैंग्वेज में हम बनाते हैं ना। कितना पैदल चल के आ रहे हो जी? अभी तो हमारे को टोटल उड़ीसा से अभी तक हो गया 55 दिन। 55 दिन जी। कितने किलोमीटर अभी तक हम घूम के आ रहे हैं ना, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग, हम अभी बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, उसके बाद अयोध्या होके उत्तराखंड आ रहे हैं। पहले जाएंगे केदारनाथ, उसके बाद जाएंगे हमारा तुंगनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ। हमको उल्टा पड़ेगा। धन्यवाद। सो गाइस यहाँ पे हमने ना आज दिन का खाने के लिए प्याज टमाटर और हम बनाने वाले आज दिन में खिचड़ी, तो उसके लिए हमने प्याज टमाटर वगैरह वगैरह सारा सामान ले लिया है गैरसैंण से। और अभी हम गैरसैंण से पार होके ना ऊपर मस्त से वो है क्या टप्पड़, तो वहाँ पे बनाएंगे खाना। छाया भी अच्छी है तो भाई वहाँ पे खाना बनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन का खाना आज यहीं पे होगा गैरसैंण में। मतलब भाई कहीं भी होटल में नहीं खाना है? होटल में हमने खाना ही नहीं है। और इससे पहले आपने जो साइकिल वाले देखे ना भाई, सैल्यूट है उन बंदों के लिए जो मतलब उड़ीसा से भाई। वही तो 12 ज्योतिर्लिंग साथ में पंच केदार और चार धाम यात्रा, भाई सैल्यूट उन बंदों के लिए साइकिल से कर रहे हैं यार। और आदित्य उसके नाम है, 12 ज्योतिर्लिंग उसके धाम। भाई 12 ज्योतिर्लिंग पूरे इंडिया में है यार। सोच सकते हो आप लोग कि हम तो बस एक ही धाम दो धाम कर लेंगे बस, ज्यादा से ज्यादा और क्या करेंगे। बट वो बंदों का देखा हौसला बढ़ाना चाहिए ऐसे बंदों का। और उन्होंने अपने चैनल का नाम बताया तो सपोर्ट जरूर करना उनको। बट उनमें एक प्रॉब्लम है, हमारे इधर के लोकल बंदों को लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अपनी लोकल लैंग्वेज में ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो चलो आगे मिलते हैं। ये है कुछ गैरसैंण की खूबसूरत सी रोड। जो छत के ऑनर थे उनसे मैंने परमिशन लिया कि मैं थोड़ी शूट करने के लिए छत में जा सकता हूँ, तो परमिशन मिल चुकी है और मैं आ चुका हूँ छत पे। और ये कुछ दिखता है गैरसैंण का सुंदर सा नज़ारा कुछ इधर है, ये देखो भाई। और कुछ है इस तरफ, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गैरसैंण का सुंदर सा नज़ारा और काफ़ी प्यारा है। और खेत देखो क्या मस्त है ना। ये रहा आपका प्यारा सा गैरसैंण, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भाई। तो एक गर्मियों में राजधानी यहाँ शिफ्ट हो जाती है, होती है नहीं होती ये तो हमें नहीं पता, ये नहीं तो लोगों को ही बताओगे। बट एक अहदा दे दिया है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। और मौसम के नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं। बाकी अभी हम यहाँ से पार करके ऊपर टॉप में जाने वाले हैं और टॉप में जाके बनेगा हमारा आज दिन का खाना। तो चलो मिलते हैं आपको आगे ऊपर टॉप। मैंने नज़ारा दिखाया था गैरसैंण का और नीचे से दिखाया था, अभी मैं थोड़ी और टॉप पे आ चुका हूँ तो यहाँ से भी आप लोग एक बार नज़ारा चेक कर लो। काफ़ी प्यारा सा नज़ारा है, दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई ये है देखो गैरसैंण का नज़ारा, यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता है, एकदम मस्त वाला जन्नत है भाई। सो गाइस ये है गैरसैंण में चाय के बागवान, छोटे छोटे ट्री दिख रहे होंगे आपको, ये सारे के सारे चाय के हैं भाई। इससे आगे दिखाते हैं आपको, ये रहे देखो सामने भाई, पूरा का पूरा बागवान में चाय पत्ती के पत्ती है, जहाँ तक आपकी नज़र जाए पूरा चाय पत्ती का बागवान होगा। चला भेजिए लेके, सब कुछ देख के आ रखे, एक थाली लेके नहीं आए तो अब पत्तल सा काम चलाएंगे इस रूट पे, तो पत्तलों में ही खाएंगे नहीं तो हम सोच रहे थे कि थाली गिलास भी लेके आए पर थाली थाली नहीं लाया। तो गाइस दिन का खाना हमारे पता है कितने बजे हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, फोन किसके पास है? 9:05 टाइम हो रहा है, 3:34 बजे आई थिंक नहीं 4 बज चुके हैं। और अभी हो रही है हमारे खाने की तैयारी, तो खाना हम ज़्यादा दूर यार लोकेशन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, पता भी खाना यहीं से बनता है। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, इसी दे लो तो यार क्या बन रहा है। सो गाइस खाना पीना हमने खा लिया भाई और पूरा का पूरा क्लीन अप भी कर दिया यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। और अब चलते हैं यहाँ से, आय की जर्नी कंप्लीट करने भाई।
जर्नी बहुत लंबी है, देखते हैं कितने बजे तक चलते हैं। अभी का टाइम क्या हो रहा है, 5 तो बज गए, तो गाइस 5 बज गए। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं आदि बद्री, जो कि विद्रा बद्री विशाल का एक रूप है आदि बद्री। तो आप लोगों को हल्का सा नज़ारा दिखाऊंगा मैं रोड से चलते चलते, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ। और अगर आप लोगों को आदि बद्री का वो देखना है तो मैंने पिछले भी एक दो ब्लॉग बना रखे आदि बद्री पे। बाकी देख सकते हो आप लोग, तो गाइस ये थी आदि बद्री की प्यारी सी झलक। और आगे पड़ता है एक चांदपुर गढ़ी, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया स्पेशल, अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो मैं आई बटन ऊपर लिंक दे दूंगा सारे आदि बद्री और उसका भी चांदपुर गढ़ी का भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। बाकी ये रहा आदि बद्री का मार्केट, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट देखने में अच्छा लगेगा। मार्केट मतलब मार्केट तो पीछे से ही लग गया था, पर मेन मार्केट यहाँ पे है आदि बद्री धाम। 0 किलोमीटर कर्णप्रयाग है, 19 किलोमीटर, तो 19 किलोमीटर कर्णप्रयाग है, आगे का पता नहीं कितने आगे हमने और जाना आज, कहाँ तक हम पहुँचेंगे। रुक 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 वो ले रहे हो तो उसे खरोने वाला आगे से ले लेंगे, अरे दुकान है गैर सैड में ले लेंगे वो गैर सैड वो कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग वहाँ पर ठीक है, वो लगी रहती है मार्केट लगी रहती है पुल पे। तो ये कुछ है सुंदर सा नज़ारा और सनसाइड भी होने वाला है कुछ ही देर में। डिसाइड हो चुका है, पहले जा रहे हैं हम मधमेश्वर, उसके बाद जाएंगे हम कार्तिक स्वामी। तो आज हम मधमेश्वर के लिए निकल रहे हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं आज। यहां से है 82 किलोमीटर, देखते हैं पूरा पहुंचते हैं या कहीं आधे रास्ते में रहते हैं। बाकी ये है अभी शिमली का रास्ता, सॉरी शिमली मार्केट, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। गाइस पहुंच चुके हैं हम खंडप्रयाग, और ये नीचे मार्केट के लिए रास्ता जाता है खंडप्रयाग के, हमने जाना है ऊपर, हमने ऊपर के रास्ते जाना है सीधे रुद्रप्रयाग होते हुए ऊपर, फ्लाई ओवर निकलता ऊपर, तो ये नीचे मार्केट के रास्ता हम ऊपर चले। सो गाइस फाइनली आपके सामने पहुंच चुके हैं खंडप्रयाग में, तो खंडप्रयाग का सुंदर सा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। अरे नीचे आ जाओ भाई, नीचे पिंडोरियों को। Wow, so beautiful. तो भाई यहाँ से दिखता है कर्णप्रयाग का सुंदर सा नज़ारा, और आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे आ रही है ठंडी हवा। हाँ सो गाइस यहाँ पे आ रही ठंडी हवा, इन पुलों में रात को लाइट जलती है, लाइट दोनों पुल पे। हाँ उस दिन हमने स्टे कहाँ किया था मनीष भाई, यहाँ ऊपर ना पूरा वो होटल, ये वाला होटल क्या है, गीता, ये है संगम होटल, दोनों देव का संगम, और ये कुछ है। भाई कुछ बोलना चाहोगे, कितना सुकून, क्या भाई विनु को क्या पूछ रहे, मुझे पूछो मौसम, गार्डन गार्डन हो रहा है दिल। मैं तो यहाँ महीने भर 6 महीने भर रुक सकता हूँ, इतना सुकून। तो भाई सुकून काफी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमारे छोटे भाई भी आ गए यहाँ पर देखिए। थोड़ी बहुत फोटो शूट करते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे की जर्नी कम्प्लीट करने के लिए, और ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है यार आजकल, लोग इंजॉय करने के लिए नीचे जा रहे हैं। गाइज हम जा रहे हैं इस वक्त कौन से रोड पे, ये है केदारनाथ वाला रोड, और इसी रास्ते पे मधमेश्वर ट्रैक भी आता है। तो केदारनाथ का ट्रैक तो हमने पिछले साल कर दिया था, तो उसका ब्लॉग तो आप लोग देख सकते हो यार पीछे जाके, इतने लिंक डालूंगा मैं तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो देख लेना आप लोग। पिछले साल हम केदारनाथ गोचर, और गोचर का नज़ारा आप लोगों को हेमंत भाई दिखाने वाले हैं। कैमरा पकड़ने में बड़ा ही रो रहे हैं, रील बनाने में नहीं रो रहे, लाइट जाने में नहीं रो रहे। सो गाइस यहां देखो व्यू, देखो व्यू यार, व्यू देखो व्यू, जो दिखा रहा हूं व्यू देखो व्यू, अबे देख लो ना व्यू कितना अच्छा है, पेंटिंग है ना बोल, वही तो इसी को तो बोलते हैं व्यू देखो, बोल ना ये रे तू। गाइस पहुंच गए हम गोचर, पिछली बार यहां पे एक कुत्ता नहीं मर गया था हमारे हाथों से, इस टाइम हम बाइक से आ गए। गाइस सनराइज सनसेट देखो वहाँ पे कितना ज्यादा लग रहा है, सनसेट देखिए यार कितना ज्यादा लग रहा है वो, खतरनाक ना भाई साहब, ऊपर में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा तुम्हें अच्छा गाइस यार, पर
देखने का मजा आ रहा है यहाँ से। लाइव देखने में जो मजा है वो वीडियो में देखने में नहीं आ रहा। अब तो काफी नीचे घुस गया। अब देखो रुद्रप्रयाग भी नहीं पहुंचा अभी तो हम गौचर में हैं। गौचर में देखो कितना तगड़ा जाम लग गया यार। गौचर में इतना खतरनाक जाम लग गया लोग दिखाओ नहीं सही। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग सामने दिख रहा है। अगर व्यू चाहिए तो उस तरफ जाइए। अरे हमारे भाई लोग सो गए, इन्हें नींद आ गई। हम आ गए थे रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग जो रूट हमारा था पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया यार। ये आर्मी कैंप तो जिस रास्ते पे हमें जाना था उस रास्ते यार जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने। बोल रहे वापस जाओ। पता है कितना किलोमीटर वापस भेज रहे हैं, मतलब कि हम 50-60 किलोमीटर आगे 50-60 किलोमीटर वापस जाओ, फिर वहाँ से चमोली जाओ, वहाँ से गोपेश्वर जाओ, फिर पहले चौकता तुंगनाथ घूमो, उसके बाद वहाँ पहुँचो। भाई यार हालत बुरी हो रही है। अभी ये बता रहा है कि एक शॉर्टकट रास्ता आगे से, अगर देखते हो वहाँ पर पुलिस नहीं हुई तो वहीं से जाएंगे, नहीं तो फिर होगी तो फिर अपना तो हो गया फिर अपना पौड़ी के रास्ते कर। सो गाइज एक तो गर्मी से बुरा हाल और दूसरे में पुलिस वालों ने माँ की कसम दिमाग ख़राब कर दिया है। मतलब कि हम कर्णप्रयाग से कम 40 किलोमीटर आगे जहाँ से कार्तिक स्वामी और कल्पेश्वर के लिए रास्ता कटता था ना, वहाँ से पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया, बोला कि फिर रिटर्न वापस जाओ और कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ वाले रूट से मंडल वाले रास्ते जाओ, बोले पहले तुंगनाथ जाओ उसके बाद घूमना उधर। तो भाई आज तो खतरनाक चूतिया कट गया। तो अभी हम जा रहे हैं हाँ तुंगनाथ की ओर जा रहे हैं अभी, तो देखते हैं रास्ते में कहीं रुकते हैं यार। 12 बजे तक चलेंगे ना, 12 बजे आराम से पहुंचेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे तक चलने का डिसाइड कर रखा है कि 12 बजे तक चलेंगे, उसके बाद जहां पे भी 12 बजेंगे वहीं पे सो जाएंगे। चलो मिलते हैं आपको आगे, अंधेरा काफ़ी हो गया इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा हूं। वक्त और वक्त की मार जिसे बोलते ना वो हम पे पड़ गई यार। वापस हमें फिर मतलब कर्णप्रयाग आना पड़ा। तो भाई कर्णप्रयाग का जो पुल का नज़ारा है ना वो आप लोगों को देखने को बेशक मिल जाएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, विद्वान बदल दिए, चुमकर अब आगे वाला पुल है यार, दोनों चुप चुप हैं। ये नहीं है वो पुल यार, यही है पोखरी। हाँ यही यही मतलब मैं ना मतलब मैं ना अरे भाई बनाता नहीं। अरे गाइस यार लाइट ही नहीं जली आज। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बज चुके हैं आई थिंक, और हम पहुँच तो पैदल ट्रैक, तो पैदल ट्रैक है 3.5 किलोमीटर का। और ये कुछ है नज़ारा सबके सब अपना, तो रात का टेंट कैंप भी हम ऊपर ही लगाने वाले, ये पानी का गैलन लेके जा रहा भाई। और ये कुछ है भाई नज़ारा अभी का, और पूरा इलाका ना सुनसान सा हो रखा है, बस हम यहाँ पागल की तरह घूम रहे हैं, कोई पागल ना समझे बस हम। टू कार्तिक स्वामी, अब मिलते हैं आपको ऊपर खाना बनाते हुए। सो गाइज फाइनली हमारा टेंट लग चुका है, और भाई काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, और हम जिस पीक पे है ना आज बहुत ही खतरनाक पीक है। टेंट लगाते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, वो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम में मिल जाएगा। और पीक का देखने का तो मज़ा भाई मॉर्निंग में ही आने वाला है, अभी तो कोई मज़ा नहीं, अभी तो खाली बस धुंध लगी है भाई भयंकर वाली, देख सकते हो भयंकर वाला, मतलब कि ऐसा आ रही है तो खतरनाक धुंध है। तो भाई पहले लाइट का सेटअप करते हैं उसके बाद दिखाते हैं। सो भाई अभी का टाइम हो रहा है रात के 1:03। तो भाई अभी जस्ट पहुँचे, अभी तक खाना भी नहीं बनाया, खाने की तैयारी हो रही है, यहाँ पे चूल्हा रखा है, बाहर जंगल का पता नहीं है
अंधेरे में आए तो लकड़ियों का भी कोई वो नहीं है कि बॉन फायर जलाएं भी हम, तो जो कुछ होगा सब कुछ आज गैस में ही होने वाला है। और बाकी खाना बनाते हैं जल्दी से, खाना खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग टाइम में मिलते हैं आप लोगों को। सो गाइस फाइनली बन चुका है भाई खाना, तो दिन में भी वही खाया था क्या पुलाव चावल बड़ी और इसमें और क्या डाला था, बिना इसमें बड़ी डाले प्याज टमाटर डाल रहे गरम मसाले चने के मसाले सारे के सारे सब्जियां डाल के। यार दूर की कैंपिंग में ना ऐसे ही होता है, ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते ना, जो इजी लगता है ना वही जाया जाता है। तो खाते हैं और सो जाते हैं, बाकी हैं तो हम जंगल में ही, होगा कुछ तो दिखेगा, नहीं होगा तो फिर मॉर्निंग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और ये वाला ब्लॉग पसंद आता है या आप अगला ब्लॉग देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले ब्लॉग में आपको मॉर्निंग में सीधा कार्तिक स्वामी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।